उधर एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए इब्राहिम भाई से खास बातचीत की चैनल वन संवाददाता ने। आइए हम आज आपको मिलवाते महान शख्सियत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेंट्रल हज बोर्ड के सदस्य इब्राहिम शेख भाईजान से। जी भाईजान, आपकी बीएमसी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति ये है कि मैडम सोनिया गांधी जी और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जी, मुंबई शहर के अध्यक्ष कृपा शंकर जी, यही रणनीति रहेगी कि जो कॉरपोरेशन का जो कारोबार आज तक चला हुआ है इस मुंबई शहर में, महानगर पालिका जो शिवसेना चला रही है, इससे मैं समझता हूँ कि मुंबई की बड़ी समस्या है, जनता परेशान है, ड्रेनेज हो के काम नहीं हो रहे, नाले भरे पड़े हुए हैं, रोड खुदे पड़े हुए हैं, और सारी जनता परेशान है, जो साइकिल से चलने वाले परेशान हैं, मोटरसाइकिल पे चलने वाले परेशान हैं, कारों से चलने वाले परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात पैदल चलने वाले भी परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी कारोबार आज तक शिवसेना के माध्यम से जो कॉरपोरेशन का कारोबार चला हुआ है, मैं समझता हूँ उससे मुंबई की जनता खुश नहीं है, मुंबई की जनता बड़ी नाराज है, और आने वाले जो चुनाव है कॉरपोरेशन के, इसमें मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की बड़ी ही अच्छी भूमिका रहेगी, कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि पूरे देश के विकास करने में कांग्रेस का बड़ा ही अच्छा रोल रहा है, कांग्रेस पार्टी का, और 15 टाइम्स प्रोग्राम जो महाराष्ट्र शासन ने लाया है महाराष्ट्र के लिए, मैं समझता हूँ वो प्रोग्राम से काफ़ी जनता को फायदे होंगे, सभी जातियों के लिए है वो। और रही बात कॉरपोरेशन के इलेक्शन की बात है, तो मैं समझता हूँ कि जनता ये टाइम समझ चुकी है अच्छी तरीके से कि पूरे हिंदुस्तान का विकास करने में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, इसके माध्यम से मुंबई शहर के अंदर भी जनता ने, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने ये सोच लिया है कि ये टाइम कांग्रेस को बहुमत से चुन के देंगे ताकि मुंबई शहर का विकास हो। किस कारण से आपने एनसीपी छोड़ा? जी देखिए, जहाँ तक एनसीपी की बात है, एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस के साथ राज करने का काम कर रही है, और जो हमारे लीडर, राष्ट्रीय लीडर हमारे शरद पवार साहब, जिनके साथ मैं फाउंडर मेंबर था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, और 13 से 14 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम किया, संगठन जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटी को न्याय मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ वो न्याय नहीं मिला। मेरी तड़प ये थी कि महाराष्ट्र से 2 माइनॉरिटी की सीट दिया जाए ताकि माइनॉरिटी की नुमाइंदगी सेंटर में जाके वो जो भी माइनॉरिटी का नुमाइंदा यहाँ से चुन के आए एमपी बन के, वो जाके राजभवन में जाके वहाँ नुमाइंदगी करे माइनॉरिटीज़ की, मगर मैं समझता हूँ कि बड़ी ही लेट वो सीट डिक्लेयर की गई, और मैं मुंबई अध्यक्ष होने के नाते जो मुंबई से सीट देनी चाहिए थी माइनॉरिटी को दी नहीं गई, इसलिए मुझे मेरे कार्यकर्ता मुंबई शहर के अंदर 2 लाख कार्यकर्ता थे मेरे, सारे ही नाराज हुए, उन्होंने कहा कि नहीं माइनॉरिटी को इंसाफ मिलनी चाहिए। जी क्या आप आने वाला चुनाव जैसे खासदार आमदार किसी का चुनाव लड़ेंगे आप? जी देखिए, अभी तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है,
और जो भी कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर जिम्मेदारी देंगी संगठना की, वो मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। और रही बात इलेक्शन लड़ने की, तो जो भी पार्टी निर्णय लेंगी मैडम सोनिया गांधी जी और महाराष्ट्र के अंदर अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जी, जो भी वो निर्णय लेंगे, अगर वो कहेंगे कि आपको इलेक्शन लड़ना है मुंबई से या महाराष्ट्र के किसी भी कोने से, तो मैं जरूर उनकी बात को रखूंगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक सक्षम पार्टी है, हर कार्यकर्ता को न्याय मिलता है। मैडम सोनिया गांधी जी जो है वो बहुत ही बारीकी से माइनॉरिटीज की तरफ देख रही है। हाल ही में आपने देखा मुंबई शहर के अंदर हुसैन दलवाई साहब, जिनको एमएलसी दी गई थी, उनको उठा के दिल्ली में राज्यसभा देने का काम किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर माइनॉरिटी को न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इस बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? मैं समझता हूँ कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, मैंने जितनी बातें इसके पहले बताई है विकास के मामले में, खास करके मुंबई शहर में आप देख रहे, हर जगह पे बीमारियां फैल रही है, डेंगू हो रहा है, लोग मलेरिया से बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि कॉरपोरेशन का जो रोल होता है कि मुंबई शहर के अंदर जो गंदगी फैली है उसको साफ करने का काम करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि इस 5 साल में, पिछले 5 साल में विकास का काम बराबर से हुआ नहीं है। उसके वजह से जो मुंबई शहर में बाढ़ आई 26 जुलाई की, उसमें जो लोगों ने तकलीफ उठाने का काम किया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बेटी खोई, किसी ने अपनी माँ खोई खोया, किसी ने अपना बाप खोया। मैं समझता हूँ अगर बीएमसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन के माध्यम से अगर वो नाले वगैरह, जो मीठी नदी ये साफ होती, तो मैं समझता हूँ कि ये मुंबई शहर के ऊपर ये आफतों का सामना, आफत आती नहीं और लोगों को आफतों का सामना करना नहीं पड़ता। मगर उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मुंबई के रहवासी है उनके समझ में अच्छी तरीके से आ गया है कि देश का और महाराष्ट्र का और मुंबई शहर का विकास कौन अच्छे से अच्छा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इसको कांग्रेस का फायदा जरूर मिलेगा और मैं समझता हूँ बहुमत से कांग्रेस आएंगी, ऐसा मेरा मानना और सोचना है। क्या कारण रहा है आपको लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं? नहीं, इसी तो कोई बात नहीं, गरीबों का मसीहा कहते हैं लोग, ये लोगों की मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनकी तड़प है, उनकी लगन है। क्योंकि हम लोग हर किसी का सुख दुख बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाजों को लेके हम लोग उनका सुख दुख बांटने का काम करते हैं। 26 जुलाई की बाढ़ में जब पूरा शहर पानी से भर गया था, लोग परेशान हो रहे थे, लोगों के घर बह चुके थे, तो हम लोगों ने उसमें लोगों को, 50,000 लोगों को मुंबई शहर के अंदर राशन पहुंचाने का काम किया। 8 दिन का एक पैकेज बना के उनके घर घर पहुंचाने का काम किया। और मैं समझता हूँ करीब करीब 10,000 परिवार को हम लोगों ने जो उनका बर्तन, खाना पकाने का स्टोव, पहनने के कपड़े, घर में बिछाने की चटाई, चदरे वगैरह, हमने उनको एक पैकेज देने का काम किया। और वो काम हमने हमारे महाराष्ट्र राज्य के होम मिनिस्टर आर.आर. पाटिल साहब के हाथ से, बहराम में एक जगह है बांद्रा में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं, बहराम कुरला में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वहाँ एक 10,000 आदमियों को पैकेज देने का काम किया। तो इसी का कारण है कि लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो सुख दुख बांटता है उसी को लोग चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो सोशल वर्क रहा है पिछले 30 साल से, लोगों का सुख दुख बांटने का मैं काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन, जब से मोबाइल फ़ोन की सुविधा मुंबई शहर और हिंदुस्तान में आई है,
तो मैं समझता हूं कि मैंने कभी भी अपने मोबाइल फोन को ऑफ नहीं किया है, 24 घंटा मेरा फोन अवेलेबल रहता है। लोगों के फोन आते हैं, लोगों की समस्याएं रहती है, उनको मैं मेरे लेवल पे जहां तक होता है हल करने का काम करता हूं। यही कारण है कि लोग मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। भाई जान, क्या वजह थी आप कांग्रेस पार्टी में आए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आने की कई वजह है। मैं समझता हूं कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो हिंदुस्तान की सेवा की और अपनी जान की आहुति दे दी, अपनी जान हिंदुस्तान के ऊपर निछावर कर दी, और ऐसे उनके बेटे राजीव गांधी जी ने भी अपनी जान दी, और मैडम सोनिया गांधी ने जी जो है उन्होंने आके हिंदुस्तान में एक नई लहर लाई, और अपने स्वाग को खोने के बाद भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में से एक पहली लेडी है जो अपना देश छोड़ के हिंदुस्तानी बनी और हिंदुस्तान के लिए पूरा जीवन त्याग दिया, मैं समझता हूँ। और आज जो उनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है और आज जो ये अपने घर को छोड़ के देश की सेवा में लग गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी आज सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। और जब जब देश के अंदर नए कायदे, विकास के जो बड़े बड़े काम हुए और जनता को तरक्की की ओर ले गए, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जो है आज जो चल रहे हैं, इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके जो पिता थे राजीव गांधी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की की ओर गया है। कंप्यूटर का जो प्रपोजल है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में जो राजीव गांधी जी ने जो नई नई टेक्नोलॉजी लाई, मैं समझता हूँ कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी चली हिंदुस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ राजीव गांधी जी ने लाई। और पहले हम सिर्फ फैट गाड़ी में ही घूमते थे, सबसे पहले मारुति गाड़ी जो आई और राहुल गांधी जी ने लाई, और जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान में आई, मैं समझता हूँ सब उनकी ही दी हुई देन है, जो उन्होंने उनके जो जब वो पीएम बने और उनके जब पीएम थे, जब हिंदुस्तान में जितने विकास के काम हुए, जितने भी आज फ्लाईओवर बन रहे हैं मुंबई शहर में बोलो, पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा ही मतलब पूरा अपने समय डाल के हिंदुस्तान को कैसे तरक्की की ओर ले जाना है, तो उन्होंने उस तरीके से काम किया। और पूरी टेक्नोलॉजी आने के बाद में अपना जीवन देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए वो शहीद हुए, और बहुत ही बड़ी बात है मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने काम किया हिंदुस्तान के लिए, आज उसी काम को लेके सारे लोग, उस काम को देख के लोग तरक्की की ओर जा रहे हैं, सिख के तरक्की की ओर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी जो है, मैं समझता हूँ वो उनके पिताजी के नक्शे कदम पे चलेंगे और देश को बहुत उन्नति की ओर ले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज सोनिया गांधी जी को आप देख रहे हैं कि वो जो मेहनत कर रही है देश के लिए, देश की जनता के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी के बाद में देश की जनता के लिए जो अपने आप को जो उन्होंने पूरा जीवन दे दिया है, ऐसी ये एक ही लेडी है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम करने में बड़ा ही मतलब आनंद मिलता है,
सुकून मिलता है और खुशी होती है। भाई जान एक प्रश्न यहाँ उठता है, बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही कि उत्तर भारतीयों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। नहीं देखिए, उत्तर भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो कोई भी ये कर रहे हैं, राज ठाकरे जी जैसे बोलते हैं कि उत्तर भारतीय हमको महाराष्ट्र में नहीं चाहिए, मगर मैं खुद एक महाराष्ट्रन हूँ। मैं समझता हूँ कि हर जाति का, वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, या केरला हो, या मैं समझता हूँ कि राजस्थान हो, हर जाति का आदमी किधर भी आ जा सकता है, किधर भी कारोबार कर सकता है, किधर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, और हर जाति का इंसान कहीं भी नौकरी कर सकता है। अत्याचार की जहाँ तक बातें ये है, तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी मुंबई शहर में सारी जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर भारतीय में भी कई उत्तर भारतीय है, हमारे हिंदू भाई भी उत्तर भारतीय है, मुस्लिम भाई भी उत्तर भारतीय है, तो मैं समझता हूँ कि जो इनके ऊपर जो इस तरीके से नजर रखने का काम किया जा रहा है, और इनकी जो तरक्की है, हाल ही में अभी कुछ बच्चों को मारा गया जो विद्यार्थी थे बेचारे, जो एग्जाम देने के लिए आए थे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो अत्याचार हो रहा है, मगर महाराष्ट्र शासन में, कांग्रेस शासन में, सत्ता में रह के मैं समझता हूँ कि सारी ही उत्तर भारतीय के जो लोग हैं उनको पूरी ताकत देने का काम कर रहे हैं। रही बात के जैसे एक पार्टी है मन से, जिसके नेतृत्व राज ठाकरे साहब करते हैं, मेरा तो यही बोलना है राज ठाकरे जी को कि सभी जाति को एक समान हमने समझना चाहिए। उत्तर भारतीय भी हमारे भाई है, उत्तर भारतीय महाराष्ट्रन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे ही लोग, जो एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि सारे ही जाति के लोग एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखते हैं। ईद, दिवाली, मैं समझता हूँ गरबे का त्यौहार आते तो गरबा मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार आता है दिवाली मनाते हैं, ईद का त्यौहार आता है ईद मनाते हैं, क्रिसमस आता है क्रिसमस मनाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। और रही राजनीति की बात है, तो राजनीति में समझता हूँ कि सोनिया गांधी जो है, आप देख सकते हैं उनको, इंदिरा गांधी ने जो राजनीति की, राजू गांधी ने जो राजनीति की, और राहुल गांधी आज जो राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं यही समझ सकता हूँ, इससे यही अंदाजा लगा है कि एक टका ये राजनीति करती है, और 99% ये जो जाति को न्याय मिलना मांगता है, जो सोशल वर्क करना चाहिए उस तरीके का काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी लेवल पे है, जो अपने आप को हर समाज का नेता समझते हैं, तो उनको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर भारतीय समाज को और सभी समाज को न्याय देने का काम कांग्रेस पार्टी बड़ी खूबी से करती है और बड़ी ताकत से करेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर हम देखते हैं हमारे माणिकराव ठाकरे जी जो है ये पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, और आरिफ नसीम खान जो है वो भी उत्तर भारतीय का नेतृत्व करते हैं, और हमारे मुंबई शहर के कृपा शंकर जी जो मुंबई के अध्यक्ष है, मैं समझता हूँ वो भी पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी में सारे ही समाज को न्याय देने का काम करते हैं। और रही उत्तर भारतीयों की बात, तो हम सारे ही कांग्रेस के लोग उत्तर भारतीय के साथ है, जब भी कोई भी उनके ऊपर कठिनाई आएंगी तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े रहने का काम करेगा।